सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों का अगेन बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, बैंक से आप लोगों ने काफ़ी बार अलग अलग सर्विसेज को यूज़ किया हुआ है। जैसे कि किसी भी टाइप की अगर हम बात करते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज़ की, तो वो आप लोग डेली बेसिस पर यूटिलाइज़ करते हो, या फिर हम बात करते हैं बैंकिंग की और भी सारे फैकल्टीज़ को यूज़ करने के लिए, तो वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज में दो मॉडरेटेड यूज़ करते हुए देखे हैं। और यहाँ पर पहला जो यूज़ है वो होता है अपने अपने पैसों को सेव करना। जो बंदा अपनी मंथली अर्निंग करता है, चाहे जितने भी करता हो, वो अपने घर के एक्सपेंसिस को बड़े ही यहाँ पे कठोर से मैनेज करता है, उसके बाद पैसों को जमा कर करके जो है बैंक में वो सेव करता है। ये तो पहला मॉडरेट हो गया यूज़। और दूसरा जो मॉडरेट यूज़ है वो ये होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ वालों के लिए कहीं ना कहीं एक ही सहारा होता है उनकी मुश्किल कड़ियों में जो है उनका समाधान देने का, और वो होता है बैंक। बैंक हमेशा उनके लिए जो है एक लोन देने का एक अच्छा खासा साधन बन के रहती है, और आज भी ये बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो एक पर्सन है वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और क्योंकि उतना इंटरेस्ट पे करने की उनकी अभी एलिजिबिलिटी भी नहीं होती है, तो ऐसे में बैंक से उनकी सही में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि जब क्या होगी जब लोगों को बैंक्स भी हेल्प करना बंद कर दे। ये बहुत बार लोगों को यहाँ पे मुश्किल कड़ी देखने को मिलती है, और यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं आप ही गलती कर रहे हो अपने लोन्स को अप्लाई ना कर पाने के सही प्रोसेस को फॉलो करके, जिसके बेसिस पे आप लोगों को लोन नहीं मिल रहा। तो वीडियो के पूरे इंट्रो से समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के ऊपर, और आप लोग पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी बैंक से, सही यूज़ क्या है, सही प्रोसेस क्या है, सही प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत इंट्रो में बता दूँ, यहाँ पे आज हम जिस बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने के बारे में जानने वाले हैं, उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। और आप लोग किस तरीके से इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो, इस वीडियो में आपको पूरा एंड तक पूरा वीडियो को देखने के बाद और समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले बता दूं वीडियो की शुरुआत में ही दौर में कि यहाँ पे जिनका अकाउंट इंडसइंड बैंक में ऑलरेडी है वो तो इस वीडियो को वॉच करेंगे ही करेंगे, बट जिनका अकाउंट नहीं है उनको निराश होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने दोनों कस्टमर बेसिस को ध्यान में रखकर वीडियो को क्रिएट किया हुआ है, तो जिनका अकाउंट है भी वो भी इस वीडियो को वॉच करें, और जिनका नहीं भी है वो भी इस वीडियो को वॉच करें। आप दोनों कस्टमर बेसिस को यहाँ पे ध्यान में रखकर वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है। देखो, यहाँ पे तीन प्रोसेस में से यहाँ पे मैं आपको जो है तीनों के तीनों प्रोसेस सही से समझाने वाला हूँ। जहाँ पे सबसे पहले बारी आती है योग्यता की, आप लोन को लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे EKYC डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो है इनकम वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगती है। मिनिमम 3 महीने की अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उसका प्रूफ आप लोग ज़रूर साथ में रखें। और जो मैं आपको एलिजिबिलिटी बोल रहा हूँ, इन सारे एलिजिबिलिटी का आप लोग जो है दस्तावेज तैयार रखें अपने प्रिंटआउट मोड में, यानी कागजात के रूप में, क्योंकि यही आपका डॉक्यूमेंट बनता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, जिसको आप लोग फिलअप करके बहुत ही आसानी से इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी इसमें स्टेप्स बताए जाएंगे, जिन स्टेप्स को अगर आप लोग डेफिनेटली फॉलो करते हो तो आप लोग बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हो। तो प्लीज़ अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हो और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। कि जब आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करोगे तो हमें वीडियो मिलेगा हमारी वीडियोज़ के बारे में। साथ में यू कैन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्चुअली में वीडियो रीच करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लोग डेली बेसिस पर आपको ऐसे कमाल का वीडियो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो एंड लोन लेने का कारण क्या, कमेंट्स में लिखे हमें बता देना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना मेन वीडियो। और इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से वो स्टेप्स जो आपको फॉलो करना होगा, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ आपको करना क्या है, ये है हमारी मेन वीडियो, जो कि फिलहाल आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये जो टाइटल है आप लोगों ने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग टाइटल पर क्लिक करते हैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है और यहाँ देखने को मिलती है आपको वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये जो वेबसाइट लिंक है आप लोगों ने सबसे पहले इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हैं, जो लिंक है आपकी ऑटोमेटिक गूगल के वेब सर्च ब्राउजर से जो है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर जाएगी और आपके सामने शो करेगा गूगल का एक सर्च रिजल्ट। तो ये जो गूगल का एक सर्च रिजल्ट शो कर रहा है, तभी शो करेगा जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर जब आप लोग क्लिक करोगे, जब लिंक से ऑटो रीडायरेक्ट करोगे तब आप लोगों के सामने जो है ये सर्च रिजल्ट शो करेगा। जहाँ पे आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल रही है loanpower.in की, सिंपली आप लोगों ने इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि आज हम loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच कर इसके मेथड्स को यूज़ करके जो है हम लोग इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस वेबसाइट पे विजिट करें। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करो तो आप सीधा जो है इसके loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओ, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप सीधा वेबसाइट पे भी पहुँच जाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ पे दोनों ही जगह पे आपका फ़ायदा है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर जाते हो तो इससे आपका जो पहला स्टेप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हम लोग अपने सेकंड स्टेप की ओर, जानते हैं अब आपको क्या करना होगा। तो आप लोगों के फ़ोन में कोई ना कोई ब्राउज़र होगा जिसको आप लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते होगे। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे देख सकते हैं मेरे फोन में क्रोम ब्राउज़र है। अब आपके फ़ोन में जो भी कोई ब्राउज़र है आप उसको सिंपली यूज़ कर सकते हो। करना क्या है, आप लोगों ने अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ही ब्राउज़र ओपन करते हो तो जो गूगल का वेब सर्च इंटरफेस है वो खुल जाता है। जैसे ही वेब सर्च इंटरफेस खुल जाए, जो गूगल का ये जो सर्च बार है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जा करके आप लोगों ने सिंपली सर्च करना होगा, जो कि है loanpower.in। जैसे ही आप लोग गूगल के वेब ब्राउज़र पे इस चीज़ को आगे सर्च करते हो loanpower.in को, तो आपके सामने गूगल का सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जो कि मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ कि एक्जैक्टली मैंने क्या कीवर्ड सर्च किया है।
तो आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है loanpower.in, इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना आप लोगों ने भी जाकर जो है एग्जैक्टली ऐसे लिखना है। और ध्यान रहे इस कीवर्ड को लिखने में बिल्कुल भी कोई मिस्टेक मत करना, वरना हो सकता है कि आप लोग कोई ना कोई गलत प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच सकते हो। loanpower.in जैसे लिखेंगे, लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा गूगल का सर्च रिजल्ट, जहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है loanpower.in की, सिंपली आपको इस वेबसाइट पर टैप कर देना है, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी जन आपको बताया हुआ है। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर टाइप कर देते हैं आपको थोड़ा सा वेट करना है, जहाँ पे हमारे सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है loanpower.in की, और वेबसाइट का मेन होम पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही वेबसाइट का मेन होम पेज खुल के आ जाए, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में 3 words का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपके सामने काफ़ी अलग अलग लोन के ऑप्शन मिलते हैं। अब क्योंकि हमारे वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि आप लोग इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो और पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, और ऐसे में यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको एक बैंक लोन का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये बैंक लोन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली पता है कि इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन ले रहे हैं और वो एक तरीके की बैंकिंग कैटेगरी में आने वाले लोन्स में से एक बन जाता है। अब ऐसे में जब आपके सामने जो है बैंकिंग रिलेटेड जब आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इंडसइंड बैंक को जो है सर्च करना पड़ेगा। तो करना क्या है, राइट साइड में सर्च पर यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आप लोगों ने कीवर्ड सर्च करना है, जिस कीवर्ड का नाम है इंडसइंड, और इंडसइंड डाल के आपको सिंपली जो है सर्च कर देना है। इससे क्या होगा, जस्ट इंडसइंड बैंक से रिलेटेड ही आर्टिकल जो है आपके सामने शो करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल आ चुका है इंडसइंड बैंक से होम लोन कैसे ले, सेकंड आर्टिकल इज इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले। और क्योंकि हमारे वीडियो का मेन टॉपिक, मेन कंटेंट और मेन टाइटल भी यही है कि आप लोग इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको जो सेकंड वाला आर्टिकल है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही जो है आपके सामने जो है आर्टिकल आपका ओपन हो जाएगा। तो ये आपके सामने आर्टिकल ओपन हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक वॉच करें, तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों के लिए ऐसी डेली कमाल की वीडियोज जो है लेके आते रहता हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपका जब ये पूरा का पूरा आर्टिकल खुल जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे हमें लोन कितने अमाउंट तक का मिलेगा, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोन हमें कितने परसेंट जो है कितने दिनों के लिए लोन मिलेगा, इसको हम आसानी से कैसे कैसे रीपेमेंट्स कर सकते हैं, और रीपेमेंट करने की कौन कौन से मेथड्स है, क्या लोन लेते वक्त में हमें कोई प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या हमारी एलिजिबिलिटी होगी लोन की, जो ये मैं सवाल बता रहा हूँ ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि सारे सवाल मैंने इस आर्टिकल में भी मेंशन किए हुए हैं, लेकिन ये मैं जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे और दिखा भी दूंगा जब हम लोग लोन अप्लाई करेंगे, जिससे आप लोगों को पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो, तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरी जानकारी मिलने के बाद जब ये नीचे जो अप्लाई नाउ का लिंक है, सिंपली आपको इस अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करोगे, सीधा पहुंच जाओगे इंडसइंड बैंक के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन पर, एंड वहाँ पहुंचने के बाद कैसे आप लोगों को पर्सनल लोन अप्लाई करना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए अप्लाई नाउ के लिंक पर कर देंगे क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे सिंपली टैप कर दोगे, आपके सामने खुल के आ जाएगा इंडसइंड बैंक का एक ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने शो करेगा, जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसे ही आप लोगों के सामने जो पोर्टल खुल के आ जाए, फिर आपको क्या करना होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ था वीडियो के इंट्रो में कि जिनका अकाउंट इंडसइंड बैंक में पहले से ही है वो भी इस वीडियो को वॉच करें, और जिनका अकाउंट नहीं भी है वो भी इस वीडियो को वॉच करें। क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में एक लॉक का आइकन है। जैसे आप लोग इस लॉक के आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने जो है काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से नेट बैंकिंग का जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेट बैंकिंग के ऑप्शन में यहाँ पर लॉगिन का भी सेक्शन है, जहाँ पर अगर जिनका अकाउंट यहाँ पे है पहले से इंडसइंड बैंक में, सेविंग अकाउंट हो कोई सा भी अकाउंट हो, तो नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर जिनका अकाउंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी आ सकते हो, यहाँ पे आप लोग अपना एक टेम्प्रेरी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि परमानेंटली अवेल करने के लिए आपको इंडसइंड बैंक के ब्रांच पर विजिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे सिंपली ये लॉगिन वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद यहाँ पे आप आते हो इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे। अब जो कि बात की थी हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ सबसे पहले आप लोगों को कि यहाँ पे आपकी जो पर्सनल लोन लेने की एलिजिबिलिटी है वो ये होनी चाहिए, जो कि आप ध्यान से पढ़ लो। ये पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए, मिनिमम दो साल तक का आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और 3 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है ये होना चाहिए, और साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनका चाहो तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी इकट्ठा कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं लोन अप्लाई कैसे करना है। तो नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे मिलता है आपको ये अप्लाई नाउ का लिंक, सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे इस लिंक पे तो यहाँ पे जो ये बेसिक डिटेल वाला ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे पैन कार्ड नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी और पिन कोड डाल के वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद जैसे आप ओटीपी को फिल करोगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो करेगा, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आपको एक्जैक्टली ऐसा तो नहीं मिलेगा, बट सिमिलरली ही मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको जो है आप लोगों को प्रिंटआउट मोड में निकलवाना होगा। अब यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको अपनी फोटो अटैच करनी होगी, यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, यहाँ पे एड्रेस डिटेल, यहाँ पे अपने को सिग्नेचर वगैरह डाल के जो है सिंपली आपको इसके जस्ट बैक साइड जो सेकंड पेज है वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल लोन से रिलेटेड जो है डिटेल्स डालनी है। और जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है अटैच करके, सेल्फ अटैच करके जो है नियरेस्ट जो आपका इंडसइंड बैंक का ब्रांच है वहाँ पे जाके सबमिट कर देना होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में समझा गई चीज़ आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल नीचे कमेंट से पूछे, डिस्क्रिप्शन में डाले हम लिंक के जाके फॉलो करके वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।